टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या क्या मेथड होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंसेस सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमने बताया था कि कोई मीडियम कोई एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन्स टू फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। बट हम क्रॉस पॉलिनेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है एजेंसी या एक्सटर्नल मीडियम की पॉलन्स ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में तभी पॉलिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डैट कैन बी द जेटनोगैमी और ऑल्सो कैन बी द जेनोगैमी। ओके, नाउ वी विल फर्स्ट सी द फर्स्ट मेथड, डैट इज एनिमोफिली। एनिमोफिली इज द नेम दैट इज बिलोंग्स टू द एयर, ठीक है। इसका मतलब एयर होता है। तो जो पॉलिनेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन विच आर टेक प्लेस ड्यू टू द एयर बाय द हेल्प ऑफ एयर इन विच द एयर इज इन्वॉल्व्ड दैट पॉलिनेशन दैट टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन द मेथड इज कॉल्ड एनिमोफिली। When the pollen grains are transferred from one flower to another flower through the agency of air, ठीक है, एयर के हेल्प से pollen grains का ट्रांसफ़र होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, मेल टू फीमेल फ्लावर, तो उसको हम कहते हैं एनिमोफिली, ठीक है। इस मेथड ये जो मेथड होता है वो जनरली देखा गया है सारे जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ सीरियल प्लांट्स में जो हम मेज राइस वगैरह खाते हैं उन प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एनिमोफिलस फ्लावर्स, जिस फ्लावर में एनिमोफिली मेथड से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा हो दैट आर कॉल्ड एनिमोफिलस फ्लावर, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो फ्लावर्स मोस्टली एयर के थ्रू पॉलिनेशन कर रहे हो तो उनमें क्या होता है पॉलन ग्रेन्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एयर जब भी फ्लो करेगा तो कहीं भी ये जा सकता है, पॉलन्स का मूवमेंट कहीं भी हो सकता है। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी वो कुछ अमाउंट फ्लावर पे जाएगा और कुछ अमाउंट ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में इस मेथड में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो नहीं तो वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। इन फ्लावर्स में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हल्के एकदम छोटे से होते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स में एकदम येलो स्टिकी टाइप की होती हैं, दैट आर पॉलन ग्रेन्स। बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल, लाइट वेट। लाइट वेट होने का मतलब है कि एयर से जल्दी से फ्लो कर जाए, अगर वो भारी होगा तो एयर जो होगा वो फ्लो एयर के हेल्प से फ्लो जल्दी ईजिली नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको लाइट वेट होना ज़रूरी है। ड्राई होना ज़रूरी है। ड्राई क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मॉइस्चर होगा, अगर पॉलन ग्रेन्स में मॉइस्चर होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा और वो स्टिक नहीं हो पाएगा कहीं। तो मतलब ड्राई होना ज़रूरी है क्योंकि फ्लो होने के लिए, ठीक है, हवा से उड़ने के लिए सूखा होना ज़रूरी है, ड्राई होना ज़रूरी है। और इनका जो स्टिग्मा है, फ्लावर्स जो फीमेल फ्लावर्स होती हैं तो उनमें जो स्टिग्मा है वो बहुत स्टिकी होते हैं और हेयरी होते हैं, जिससे कि हेयरी के कारण वो पॉलन ग्रेन्स को कैप्चर कर लेते हैं और स्टिकी के कारण जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स उस पर स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है जो फ्लावर्स में होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर्स में। एक और इम्पॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि एंथर कैसा टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के मैंने बताए थे, चार टाइप्स के बताए थे, तो उसमें एक टाइप था वर्सेटाइल टाइप, ठीक है। एंथर जो होता है वो वर्सेटाइल टाइप का होता है। जैसे कि ये कैसा होगा, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता चला होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। दिस फिलामेंट विल अटैच टू ओनली वन पॉइंट एंड हेयर दैट विल बी द सीसॉ टाइप की मूवमेंट होगी, ऐसे ऐसे मूवमेंट होगी जिससे कि पॉलन ग्रेन्स का तुरंत वो निकल जाते हैं उसके अंदर से, एंथर के अंदर से डायसेंस इजीली हो जाता है। तो एनिमोफिलस में ये वाली जो टाइप है एंथर की टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, प्ले करती है पॉलन ग्रेन्स को डायसेंस करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इन दिस फ्लावर्स आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉर हैविंग स्मेल।
इन फ्लावर्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, मतलब कि पेटल्स या सेपल्स या कोई भी ब्रैक्स पेरियंथ वगैरह उतने कलरफुल नहीं होते हैं। अट्रैक्टिव मतलब कि वही पेटल्स वगैरह कलरफुल नहीं होते हैं ज़्यादा, और उनमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि स्मेल की ज़रूरत नहीं होती। स्मेल वहीं चाहिए जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक चीज़ों के हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही हो, ठीक है। तो ये एनिमोफिली मतलब एयर के हेल्प से हो रही है, तो दैट इज एबायोटिक। तो एबायोटिक के लिए स्मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए इसमें स्मेल नहीं है और ना ये अट्रैक्टिव है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर सीन एज इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। ऑब्वियसली एयर, हम जानते हैं कि एयर इधर मूव करेगा उधर मूव करेगा, तो जैसे एयर मूव करेगा वैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन्स भी मूव करेगा, तो उससे हम कह सकते हैं ये नॉन डायरेक्शनल है और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमने एनिमोफिली कवर किया। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब कि जो पॉलिनेशन, द मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के हेल्प से जो भी हो रहा हो अगर पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड एंटेमोफिली, एक मेथड है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो एंटेमोफिली में जो इंसेक्ट हमारे जो रोल प्ले करते हैं दैट आर हनी बीज। हनी बीज मेनली 80% ऑफ पॉलिनेशन को कवर करते हैं जो इंसेक्ट से होती है, ठीक है। तो हनी बीज प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हैविंग द क्रॉस पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। इससे अलावा बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो कि बटरफ्लाई हो गए, बहुत छोटे छोटे वैस्प्स होते हैं, वो सब भी एंटेमोफिली करते हैं, तो वो 20% में आते हैं, ठीक है। 80% आर डन बाय द हनी बीज ओनली, ठीक है। नो नेक्स्ट इज इन दिस फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव। जैसा कि मैंने बताया कि अब ये बायोटिक जो मेथड है बायोटिक चीज़ों से हो रही है एंटेमोफिली, ठीक है। तो जिसमें इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब इनकी पेटल्स होगी, सेपल्स होगी, ब्रैक्स पेडियंथ वगैरह होते हैं, तो वो कलरफुल होते हैं और उनमें स्मेल और नेक्टर भी होता है। नेक्टर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं कुछ फ्लावर्स में, तो उसमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है, और जब नेक्टर के लालच में इंसेक्ट्स जाते हैं और नेक्टर पीते पीते उनके ऊपर जो जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो पॉलन्स गिर जाते हैं और फिर वो दूसरे फ्लावर्स में जाते हैं, तभी उनका पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तब वो दूसरे फ्लावर पे ऑब्वियसली जाएंगे तो उनके ऊपर चिपका हुआ है पॉलन ग्रेन्स, तो वो पॉलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर टू दैट फ्लावर्स। तो ये भी हो सकता है कि वो जहाँ जिस फ्लावर से आ रहे वो हो सकता है वो फीमेल फ्लावर्स हो, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स उनको नहीं मिलेगी, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि वो मेल फ्लावर्स पे पहले बैठे हों, उन पे इंसेक्ट पे उनके पॉलन ग्रेन्स लगी हो, बट वो किसी दूसरे फ्लावर्स पे गए जिस पे जिसके पे स्टिक पा वगैरह ना हो, मतलब फीमेल फ्लावर्स वो ना हो, तो ये चांसेस हो सकते हैं। चांस इसमें लिया जाता है पॉलिनेशन का, ठीक है। तो इसमें चांस 100% भी हो सकते हैं और 0% भी हो सकते हैं, तो ऐसे ही होता है पॉलिनेशन, ठीक है। तो नेक्टर होता है इसलिए क्योंकि वो नेक्टर के लिए जाते हैं, और फिर स्मेल वगैरह होता है अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव क्योंकि जब फ्लावर्स अट्रैक्टिव होंगे तभी वो जाएंगे नेक्टर को, नेक्टर लेने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वन इज़ द पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। अब ये पॉलन किट क्या होता है? पॉलन किट, ये पॉलन किट हमेशा इंसेक्ट से जो भी पॉलिनेशन हो रहा हो, इंसेक्ट के हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रहा हो, तो ये वहाँ पॉलन किट ही पाया जाता है, बस उसी में पाया जाता है, एंटेमोफिलस फ्लावर्स में ही पॉलन किट पाया जाता है। तो ये पॉलन किट जो होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं, येलो कलर के होते हैं, और वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन है मान लो ये, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर होता है जो कि येलो कलर का होता है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड पॉलन किट, और ये होते हैं ऑयली नेचर में। ऑयली मतलब ये जो पॉलन किट होता है वो मेडअप ऑफ होते हैं कैरोटिनॉइड्स प्लस लिपिड्स। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कैरोटिनॉइड्स और लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड और ऑयल का मिक्सचर होते हैं, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो भी कैरोटीन प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में भी आते हैं ये। तो इन दोनों के हेल्प से वो पॉलन किट बनता है जो कि उनको क्या देता है,
स्टिकी नेचर देता है और वो एक ऑयल के फॉर्म में उन पे लेयर चढ़ जाते हैं पॉलन ग्रेन्स पे, दैट इज़ कॉल्ड पॉलन किट। और ये हमेशा कहाँ होगा? एंटमोफिलस फ्लावर्स में, ठीक है। इसके कारण वो स्टिकी हो जाते हैं और वो इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाते हैं। और इनमें स्टिग्मा जो होता है वो सरफेस रफ होता है, स्टिग्मा स्टिग्मा का सरफेस रफ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रफ होगा तभी वो इंसेक्ट आएंगे और जिससे कि वो चिपकना में ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनकी इनकी स्टिग्मा में हेयर वगैरह नहीं होते, स्टिकी नहीं होते, तो रफ होना ज़रूरी है जिससे कि वो अटैचमेंट बन सके, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से, ठीक है। तो ये हमने एंटेमोफिली भी कवर किया। नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वाटर, ऑब्वियसली हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर जो भी एजेंसी जो वाटर के हेल्प से जो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोफिली है तो वो ज़्यादातर एक्वाटिक प्लांट्स में ही पाया जाएगा। इस टाइप के जो मेथड्स होंगे वो एक्वाटिक प्लांट्स में ही पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जानने, ये ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये, ठीक है। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द एपीहाइड्रोफिली एंड नेक्स्ट इज द हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, एपी मीन्स अपर अपर पोर्शन पे, हाइपो मीन्स नीचे। तो एपी मतलब कि यहाँ पे देखा गया है कि जब पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे किया जा रहा है, वाटर के सरफेस पे जो पॉलिनेशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एपी हाइड्रोफिली, ठीक है। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर के पर, मतलब वाटर के सरफेस पे अगर वो पॉलिनेशन हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एपी हाइड्रोफिली। एंड एग्जाम्पल आर सीन और जोस्टरा, हाइड्रोला, वेल्सनेरिया। आपके एनसीईआरटी में वेल्सनेरिया वगैरह दिया है, हाइड्रोला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोफिली देखी जाती है इन प्लांट्स में। तो इस पे कैसे होता है ये पॉलिनेशन, ये हम थोड़ा सा समझेंगे इस फिगर से, ठीक है। तो क्या होता है कि दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, ये अपर सरफेस है वाटर का, ठीक है, और ये इनकी लोअर सरफेस है जहाँ पे प्लांट्स अटैच हैं, ठीक है। डायसिस प्लांट्स होते हैं जनरल, डायसिस मतलब कि अलग अलग, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। तो ये फीमेल फ्लावर हो गई, फीमेल प्लांट हो गई, ये मेल प्लांट हो गई, ठीक है। तो फीमेल प्लांट में एक चीज़ पाई जाती है, जैसे कि ये मेनली एग्जाम्पल वाइज नेरिया और हाइड्रोला में देखा गया है इस टाइप की जो कंडीशन मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल फ्लावर, फीमेल जो प्लांट्स होती हैं उनमें जिस जिसमें फ्लावर्स आती हैं, तो वो फ्लावर में कॉइलिंग होती है इस टाइप की। तो ऑब्वियसली कॉइल अगर ये यह ऐसे होगा तो ये छोटी होंगी ऑब्वियसली यहाँ पे। तो जब ये इमेच्योर होते हैं प्लांट्स, फीमेल प्लांट्स में जब इमेच्योरिटी होती है तब ये कॉइल्ड होते हैं इस टाइप की, कॉइलिंग देखी जाती है, और इसमें फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। और जब ये मच्योर हो जाते हैं तब ये क्या होते हैं, ये सारे अनकॉइल हो जाते हैं। अनकॉइल होके मान लो अगर ये कॉइल्ड है, पहले ये कॉइल था, फ्लावर यहाँ पे है, ठीक है। अब मच्योर होने के बाद ये अनकॉइल हो गया है, सेम चीज़ यहाँ मैं दिखा रही हूँ। अगर ये अनकॉइल हो गया तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने एक स्प्रिंग को देखा है, स्प्रिंग जो होती है वो छोटी होती है, मतलब मान लो इतनी लेंथ है स्प्रिंग की, तो अगर हम उसको अनकॉइल करेंगे दैट विल बी द लेंथ विल बी इंक्रीज्ड। तो यहाँ भी वही केस है कि अगर ये अनकॉइल होगा, मच्योर हो जाएगा, जब फीमेल प्लांट्स मच्योर हो जाती हैं तब ये अनकॉइल हो जाएगा और लेंथ विल बी इंक्रीज्ड। तो इसी तरीके से लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने के कारण जब ये फ्लावर होती है वो सरफेस ऑफ वाटर पे चली आती है, ठीक है, वाटर के सरफेस पे चली आएगी। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या होगा कि मेल प्लांट में क्या होगा, इमेच्योरिटी पे इनकी सेम लेंथ होगी, बट जब मच्योर हो जाते हैं तो ये फ्लावर्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, डिटैच कर लेते हैं अपने आप को बॉडी से, और फिर वो ऊपर चले आते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, यहाँ पे चले आएंगे। इनमें एंथर वगैरह होगी, एंथर स्टैमेन वगैरह होगी, और ये फ्लावर अनकॉइल होके ये भी ऊपर की तरफ चली आएगी, तो यहाँ पे इनका स्टिग्मा वगैरह होगा। तो ये पॉलन सिक्रीट करते हैं और पॉलन फ्लोट करके इनके स्टिग्मा पे आके अटैच हो जाता है। इस तरीके से हमारी एपीहाइड्रोफिली कंप्लीट होती है। समझ में आ गया? सबसे मेन पार्ट यही है कि फीमेल प्लांट में जब ये यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं,
तो इनमें कॉइलिंग होती है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो कॉइलिंग जो कॉइल हो की जो बनी होती है वो अनकॉइल हो जाती है और इनकी लेंथ बढ़ जाती है और ये अपर सरफेस पे आके मूव करने लगते हैं, अपर सरफेस पे आ जाते हैं। और जो मेल प्लांट है यंग पे इन्होंने फ्लावर प्रोड्यूस किया, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये फ्लावर जो होती है अपने आप को डिटैच कर लेती है और फिर पॉलन सिक्रीट करती है सरफेस पे और फिर पॉलन विल मूव बाय द हेल्प ऑफ वाटर टू द स्टिग्मा एंड दे विल जस्ट डू द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो मीन्स नीचे, अंडर द वाटर मीन्स ये जो जो भी पॉलिनेशन होगा वो समर्स प्लांट्स में होंगे। जो भी प्लांट्स जो नीचे की तरफ नीचे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जो रिवर है या सी वाटर है उनके नीचे जो प्लांट्स होती हैं समर्स प्लांट्स, उनमें ये देखा गया है हाइपो हाइड्रोफिली। तो ये कह रहा है कि व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, वाटर के इनसाइड, यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे हो रहा था पॉलिनेशन, तो ऑब्वियसली हम सरफेस ऑफ वाटर पे ही देख रहे हैं, बट प्लांट्स तो हमेशा वो जुड़े ही रहेंगे ना सॉइल के नीचे, तो वो केस नहीं है। लेकिन पॉलिनेशन जो हो रहा है वो सरफेस ऑफ वाटर में ही हो रहा है एपीहाइड्रोफिली में, लेकिन यहाँ पॉलिनेशन जो होगा वो इनसाइड द वाटर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल ये नाजेस एंड सेराटोफाइलम में देखा गया है, सब एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये मान लो कि वाटर का इनसाइड द सर्फेस है और यहाँ पे प्लांट्स है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, इसमें फीमेल फ्लावर्स हैं, इसमें मेल फ्लावर्स हैं। ठीक है, स्टिग्मा और एंथर स्टिग्मा और स्टैमेन वगैरह इसमें होगा। तो अब क्या होगा कि ये क्या होंगे, ये पॉलन्स जो होते हैं वो सिक्रीट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन तुम लोग सोचोगे, अगर सोच रहे हो तो इस पे ये सोचोगे कि पॉलन्स तो बहुत हल्के होते हैं, वो हो सकता है वो मूव कर जाएं सरफेस ऑफ वाटर पे, तो सरफेस ऑफ वाटर पे अगर मूव करेंगे तो फीमेल फ्लावर के पास कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये हो सकता है ना। मान लो अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है पॉलन्स, तो पॉलन्स जो होंगे वो मे बी ऑब्वियसली मे बी क्या ये मूव करना चाहेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हल्के होते हैं कॉम्परेटिवली। तो ये पॉलन्स अगर अपर सरफेस पे सरफेस ऑफ वाटर पे मूव करेंगे तो ये कैसे पॉलिनेशन कर पाएंगे, कैसे आ पाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये इन प्लांट्स में देखा गया है कि जो भी ये प्लांट्स पॉलन सिक्रीट करते हैं, मेल फ्लावर जो सिक्रीट करते हैं पॉलन्स, तो पॉलन्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो वाटर के बराबर होती है। ठीक है, वाटर के बराबर होगी तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है वो क्या होती है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो वाटर के बराबर होती है और वो जो कि पॉलन ग्रेन्स को ऊपर की तरफ मूव नहीं करने देता है और वो सस्पेंडेड रखता है पॉलन्स को नीचे। ठीक है, तो सस्पेंड, अगर ये पॉलन सिक्रीट कर रहा है तो ये पॉलन्स नीचे ही रहेगा और ये मूव करे, ये मतलब स्टिग्मा के पास ये मूव कर पाएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हाइपो हाइड्रोफिली में स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटी पता ही है, नीचे की तरफ हमेशा रखता है चीज़ों को, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की पॉलन ग्रेन्स सेम होती है जिसके कारण ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पॉलन ग्रेन्स को नीचे अंडर वाटर सस्पेंडेड रखने में मदद करता है, जिसके कारण पॉलिनेशन देखा गया है इनसाइड द वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द जूफिली। जूफिली इज दैट, जू मीन्स एनिमल्स ऑब्वियसली, तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, इनमें मंकीज देखा गया है, बहुत सारे ऐसे छिपकलियाँ होती हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, तो ये सब रेयर होते हैं। ये जूफिली में जितने भी थोड़े बहुत हैं वो कुछ कुछ रेयर हैं, कुछ कुछ होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, तो व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द एजेंसी ऑफ एनिमल्स, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ऑब्वियसली एनिमल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली एंटोमोफिलस वगैरह के तो फ्लावर्स बड़े ही होंगे, तभी एनिमल्स उनको कैप्चर कर पाएंगे। तो लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स, जितना ज़्यादा नेक्टर ग्लैंड्स होंगे उतना ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे और नेक्टर एनिमल्स के लिए ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हनी बीज। ठीक है, तो इनमें नेक्टर ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटमोफिलस फ्लावर्स में। ठीक है,
तो ये जूफिली जो होता है वो सब डिवाइडेड है बहुत सारे ब्रांचेस में, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब कि जो भी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बर्ड्स, बर्ड्स के हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रही हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। तो हमिंग बर्ड इसमें बहुत कॉमन पाया जाता है। हमिंग बर्ड आपको पता है एक छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती हैं जो कि हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में, जैसे कि प्लांट्स कॉल्ड बिगोनिया प्लांट, बॉम्बेक्स प्लांट, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क जहाँ से निकलता है, दैट इज कॉल्ड बॉम्बेक्स प्लांट। तो इनमें हमिंग बर्ड को देखा गया है पॉलिनेशन करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट इज द चिराप्टोफिली। चिराप्टेरोफिली इज दैट टेक्स प्लेस बाय द बैट्स, जो चमगादड़ होती हैं, चमगादड़ों के हेल्प से जो पॉलिनेशन हो रही हो, दैट इज कॉल्ड चिराप्टोफिली। इसमें क्या होता है, फ्लावर्स भी साइज में लार्ज होता है। ऑब्वियसली मैंने बताया जूफिली में जितने ही फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं। ठीक है, और ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन, दैट इज हेल्प इन प्लांट्स लाइक कदम्बा, कदम के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, एडेंसोनिया प्लांट्स, ये कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं उनमें देखा गया है। ठीक है, द नेक्स्ट इज द मेलेकोफिली। मेलेकोफिली इज डन बाय द स्नेल्स। स्नेल्स जो आप सी वाटर के पास देखते होंगे, स्नेल्स उनमें ये मेलेकोफिली मतलब स्नेल के हेल्प से पॉलिनेशन हो रही होती है। ठीक है, द इस एग्जाम्पल हम प्लांट्स के देंगे क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता है जो बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनमें, तो उनमें ये स्नेल्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो दीज वेयर द मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन होने में हेल्प होती है, हेल्प मिलती है हमें। तो क्या क्या था, एनिमोफिली, एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के दो पार्ट्स थे, एपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली एंड द जूफिली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी कवर हो गई, पॉलिनेशन कवर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।